एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मनीष द्विवेदी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में ट्रिप डायरी के। आज मैं हूं, आपको मेरे पीछे बार दिख रहा होगा, तो जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है द बार खाना। अब बार तो मैंने आपको दिखा दिया, खाना भी हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। ये जो रेस्टोरेंट है ये है लोकेटेड वाकड़ में, पुणे में। अब इसकी जो एड्रेस डिटेल्स हैं और लोकेशन है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब एक बात मैं आपको और बता दूँ दोस्तों कि जो द बार खाना इसका नाम है वो इसलिए है बिकॉज ये कारखाने की थीम पे रखा गया है। कारखाना, यू अंडरस्टैंड राइट, विच इज़ अ वर्कशॉप थीम विच लुक्स प्रिटी कूल। चलिए कि हम लेंगे क्विक टूर रेस्टोरेंट कैसा है उसका, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे खाना। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का खाना कैसा है, जो पॉपुलर डिशेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग ऑर्डर करते हैं हम देखेंगे वो, और जो कॉकटेल्स हैं यहाँ के और मॉकटेल्स हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। ये जो आप देख रहे हैं पूरा जो एक आपको इट फील्स लाइक एक शिप का जो बड़ा सा कंटेनर का डोर होता है ना, उतना हैवी और मस्त सा डोर है। इंटीरियर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपकी एंट्रेंस है, यहाँ पे भी पूरा अंधेरा है, यहाँ पे भी आप काफ़ी फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हैं। हेयर आई एम, अंदर मैं आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको अभी एकदम पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, ये वैसा ही थोड़ा क्लबिंग टाइप की जगह है। दिस इज द स्टेज वेयर द डीजे प्लेज ऑल द म्यूजिक, देन ये आप देख सकते हैं लोगो यहाँ का था बार खाना का। सो ये है स्टेज, और रात में जब यहाँ पे लोग थोड़ा मस्ती के माहौल में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं एम्बियंस तो ऐसा ही है, जब ऐसे माहौल में जाते हैं तो ये पूरा जो है यहाँ पे लोग एकदम मस्त तरीके से डांस भी करते हैं। सो एक काफ़ी बड़ा सा सिटिंग एरिया है यहाँ पे। सो ये था यहाँ का सिटिंग एरिया अंदर का। अगर आपको ड्रिंक करना है यू कैन हैव ड्रिंक्स ओवर हेयर अलॉन्ग विद द फूड, बट स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हेयर। इफ यू वॉन्ट टू स्मोक यू हैव टू गो आउटसाइड। ये जो मैं आपको बाहर का एरिया दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ बाहर का एरिया। आप यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं, और इफ़ यू वॉन्ट टू कम यू कैन कम फ्रॉम दैट साइड एज़ वेल। नाउ दिस इज़ द बार, काफ़ी बड़ा बार है। हम लोग कॉकटेल्स और मॉकटेल्स भी टेस्ट करेंगे अभी, तो आपको मैं ये सिटिंग एरिया भी दिखा देता हूँ। दीज आर ऑल कवर्ड बेसिकली। ये जो है ये ग्लास है, यूजुअली इट इज़ ओपन इन द बालकनी रेस्टोरेंट सम व्हाट, बट इट इज़ कवर्ड। तो जैसा मैं बोल रहा था कि रात में अगेन इससे रिफ्लेक्शन आता है और काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। देखिए टेबल भी आप देखेंगे नीचे, तो दिस इज ऑल्सो दैट दैट वॉज बेसिकली अ बाइसिकल, जो कि उसका स्टैंड अलग डिज़ाइन बना के रखी हुई है। चलिए चलते हैं आगे, काफ़ी बड़ा बार है जैसे कि मैं बोल रहा था आपसे। अगेन आप ऊपर भी देख सकती हैं लाइटिंग जो है बहुत सुंदर दिखाई देती है, इस तरफ के पर्दे बंद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है कवर्ड है ग्लास से, दैट इज़ नॉट ओपन। हम चलते हैं वापस से अंदर। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ये वाला जो गेट है आप यहाँ से भी बाहर आ सकते हैं, और एज आई सेड स्मोकिंग जो है वो इसी एरिया में अलाउड है। अंदर अगर आप जाएंगे यू कैन नॉट स्मोक। सो दोस्तों हमने देखा कि द बार खाना का एम्बियंस कैसा है और स्पेशियस कितना है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है मेरे ख्याल से, यहाँ पे एक साथ में लगभग 150 लोग तो बैठ ही सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे किचन कैसा है, और फिर हम फूड टेस्ट करेंगे, तब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ द टेस्ट इज। मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन यहाँ का कैसा है, जहाँ पे सारी डिशेस प्रिपेयर होती हैं। किचन के अंदर ये हैं प्रकाश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत, ही इज़ द हेड शेफ ओवर हियर। चलिए हम देखते हैं कि किचन कितना बड़ा है, कैसा है। साफ तो काफ़ी दिख रहा है, तो आपको एक्चुअली बताऊँ तो निराश होने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसा आपको बाहर साफ सफाई मिलती है उससे ज़्यादा अंदर साफ सफाई मिलती है। चलिए आप, अच्छा ओ ये मेरे को रेस्टोरेंट में, मैं किचन में अंदर घुसा है, नहीं है गिवन में शार्क है, सो दैट बाल वगैरह मेरे नहीं गिरे अगर खाने में हम लोग कुछ करते हैं। आप देख सकते हैं हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं प्रकाश जी, ये शायद तंदूर है आपका, हाँ देखिए यहाँ अभी तंदूरी रोटियाँ प्रिपेयर होती हैं। ये बाकी इनके हाथ पूरे लाल ही एकदम, खाने की मस्त तैयारी होने वाली है हम लोगों के लिए। अब गरम गरम खाना आने वाला है जो कि हम टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं बहुत जल्दी। सबसे अच्छी बात लग रही है वो क्लिनलीनेस जो आप देख सकते हैं। अच्छा दिस इज़ द इंडियन डिपार्टमेंट, यहाँ पे सारी इंडियन डिशेज बनती हैं। ये इटालियन लग रहा है राइट, ये इटालियन डिपार्टमेंट है, सेक्शन बाई सेक्शन बटे हुए हैं यहाँ पर। और ये पिज्ज़ा के लिए, पिज्ज़ा के लिए अवन, और ये आपके फ्राइज वगैरह जो है। चलिए अच्छा है,
चलिए हम चलते हैं वापस और करते हैं वेट अपनी डिशेस का. सो अब इनको लेट देम बी ताकि ये लोग आराम से काम कर पाए. बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है सो दोस्तों अब हम बैठ चुके हैं खाना टेस्ट करने के लिए. पीछे जो है बार आप देख सकते हैं वो है गौतम कुमार कुशवाहा जी जो कि हमारे लिए अभी ड्रिंक्स तैयार कर रहे हैं. दो मेरे स्टार्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं. ये जो है वो है कैनोपी पाव भाजी जो आपको यूजुअल आपने देखा होगा. आपको अलग से पाव मिलता है और भाजी मिलती है, उससे काफ़ी डिफरेंट है. इसमें देखिए आपको बंस में होल करके अंदर पे यहाँ पे पाव भाजी इसमें भरी जाती है इस बन के अंदर. तो ये काफ़ी एक यूनिक सी डिश है यहाँ पे कैनोपी पाव भाजी इसको बोलते हैं. और ये जो है वो है दाल मखनी नाचोस. अब यहाँ पे जो है स्टार्टर्स में आप इनके मेन्यू में देखेंगे तो लिखा रहता है उल्टा पुल्टा. वो इसलिए लिखा रहता है बिकॉज इन लोगों ने देसी और जो बाहर की डिशेज रहती है ना उनको मिला के एक नया कॉम्बो तैयार किया है. जैसे कि मैंने आपको बताया ये पाव भाजी कैनोपी और ये दाल मखनी नाचोस. खाने के लिए इसको आपके स्टार्टर डायरेक्टली इसको सर्व नहीं किया जाता, ऐसे ही खाया जाता है. एक्चुअली है तो ये पाव भाजी लेकिन डिफरेंट तरीके से खा रहे हैं ना. हर बार आपको क्या हाथ में कहता पाव लेके फिर भाजी बना के खाना जाता है. डिफरेंट स्टाइल से खा रहा हूँ इसलिए और मज़ा आ रहा है. टेस्ट वाइज इज गुड. अब ये देखता हूँ मैं. ये बहुत देर से मैं वेट कर रहा था दाल मखनी नाचोस खाने के लिए. दिस इज डिफरेंट देन द नॉर्मल नाचोस जो आप खाते हो हमेशा सालसा सॉस वगैरह के साथ, उससे काफ़ी डिफरेंट है. ये आप देख भी सकते हैं दाल मखनी लगी हुई है इसमें. तो आपको एक वो देसी टेस्ट जो है दाल का वो उसमें आ ही रहा है. काफ़ी डिफरेंट है. यू कैन ट्राई दिस फॉर श्योर. ये क्या है सर? इट्स अफलातून पापड़ी पनीर सर. अफलातून पापड़ी पनीर नाम से तो बड़ा ख़तरनाक लग रहा है. पापड़ी तो टॉप अप है इसमें पापड़ का और पनीर टिक्का है. स्पाइसी एंड मीडियम स्पाइसी बनता है. ओके अभी स्पाइसी और मीडियम स्पाइसी दोनों बनता है. ये मेरी चटनी वगैरह रखी हुई है, मैं इनको अब यहीं रखवा देता हूँ. बड़ा शानदार दिखाई दे रहा है. थैंक यू जितिन. अभी मेरी एक मेजर डिश और आने वाली है जो कि है कासाटीला बोलते हैं उसको. आई डो नॉट नो हाउ टू स्पेल इट. थेपला में बनता है वो डिश. बड़ी टेस्टी बनती है वो भी. मैं आपको खा के दिखाता हूँ. गुड डिफरेंट है थोड़ा सा और चटनी शानदार है. वाह मतलब सही बताऊँ जैसे मैंने इसको खाली खाया उसके चटनी के साथ खाया तो और मज़ा आ गया. इसका जो टेस्ट है इसी के साथ है. चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट इन्वेंटरी में. अब ये जितिन जी मेरा एक और स्टार्टर ले आए हैं. देखिए ये जो है ये थेपला है, इसके अंदर फिलिंग्स है. ये है वेज कासाटीला. अब ये मेक्सिकन स्टाइल डिश जो आपने देखा होगा एंचिलाडास वगैरह रहते हैं या फिर बरीटोज रहते हैं, फिलिंग्स उसकी है. ऊपर जो है इसमें है थेपला. सो ये इसको देसी स्टाइल में, जैसा कि इसका स्टार्टर का नाम रखा गया है उल्टा पुल्टा, इसको उस स्टाइल में करके बनाया है इन लोगों ने. चलिए अब हम ये भी खाते हैं. आपको टेबल देख के तो मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें भर गई हैं. स्टार्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं. सो दोस्तों वाह बहुत ही शानदार है. अगर आप आएंगे मेरी मानिए डेफिनेटली ये ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा एक बार. तो अब ये बटर चिकन नानजा. तो प्रकाश जी ये मेरे को पिज़्ज़ा टाइप का दिख रहा है. नानजा मतलब क्या, ये नान के ऊपर है या पिज़्ज़ा क्या है? नान के ऊपर पिज़्ज़ा टाइप में हम सॉस लगा के चीज़ लगा, जैसे पिज़्ज़ा बनता है वैसे ही नानजा बनता है. ओके सिंस आई डू नॉट ईट चिकन सो ये अगेन भूपेंद्र टेस्ट करेगा और हम लोग को बताएगा कि कैसा है. एक बार पास से मैं आपको दिखा देता हूँ. दिखने में तो पूरा चीज़ से भरा हुआ और काफ़ी अच्छा लग रहा है. चलिए लेट हिम टेस्ट इट एंड देखते हैं कि कैसा लगता है. वही पूरा चीज़ बस जैसा आपका पिज़्ज़ा आता ना एकदम वैसे ही है. है बेहतरीन ओके मिक्स टेस्ट जो है. हाँ चिकन का टेस्ट पिज़्ज़ा का टेस्ट प्लस जो चीज़ है ओके बहुत अच्छा लग रहा है. सो फोक्स ये है ग्रीन क्वीन जो कि पाइनएप्पल बेस्ड कॉकटेल है. तो मैं अब थोड़ा सा इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ. टेस्ट वाइज तो काफ़ी ठीक है. अभी ये टेस्ट करना बाकी है. जो स्ट्रॉबेरी वाला था वो तो मैंने ख़त्म ही कर दिया. ये देखिए मैडम जो है एक और हमारा डंक लेके आ गई. ये क्या है मैडम? बारखाना पंच. अच्छा तो दिस इज़ बारखाना पंच. दिस इज़ द फेमस मॉकटेल ऑफ हेयर.
सो फोक्स, अब ये लग गया है हमारा मेन कोर्स. उससे पहले है मेरे साथ मिस्टर डैनी. हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. हेलो मनीष जी, वेलकम. ये है, थैंक यू, ये है मैनेजर यहाँ के, और ये अभी कुछ काम से अंदर ही थे, जैसे छुपे हुए थे. फाइनली ये बाहर प्रकट हुए हैं, तो मैंने सोचा इनसे भी आपको मिलवा दूँ एक बार. तो अब ये आप कौन सी डिश लेके आए हैं सर? ये है पनीर पंजाबी मसाला थाली है. ये हमारा सबसे मतलब स्पेशलिटी है थाली, जो कि लोग लेते हैं. ये है वेज थाली जी. और ये है हमारा नॉन वेज, जिसमें हैदराबादी मुर्ग थाली है. इसमें भी कॉम्बिनेशन के साथ आता है पूरा का पूरा जी. सो एंजॉय योर फूड. श्योर सर. तो थैंक्स अ लॉट सर आपका टाइम देने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. ही हैज टू गो, तो इनको आप करते हैं रवाना और हम लोग धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं. आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू. तो दोस्तों ये है मेरी पनीर पंजाबी थाली, जैसे कि आप देख सकते हैं. मेरे को ना सबसे अच्छा क्या लगा पता है, थाली में जो इनकी जो बर्तन दिए ना नीचे का, उसमें एकदम जो बैम्बू स्टाइल जो उसका लुक है ना, वो बहुत शानदार लग रहा है. वो नॉर्मल प्लेट है. और ये मेरी हैदराबादी मुर्ग थाली. अब ये जो डिशेज हैं, ये मेन कोर्स की सिग्नेचर डिशेज हैं, जो कि काफ़ी ऑर्डर होती हैं यहाँ से. थोड़ा स्वीटर साइड पर है, आपको इनको पहले बोलना पड़ेगा अगर आप स्वीट नहीं पसंद करते हैं. थोड़ा मीडियम स्पाइसी है, स्पाइसी बनाइए. है तो काफ़ी टेस्टी, बहुत टाइम लगने वाला है. इसके बाद ये रही भूपेंद्र की थाली, वो टेस्ट करके आप बताएंगे कि नॉन वेज कैसा है. ये देखो, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है. चिकन का ऐसा होता है, या तो अच्छा रहता है या बुरा रहता है. ओके. और ये अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है. फोक्स, मेन कोर्स हो चुका है ख़त्म. आपको मेरे चेहरे पे थकान दिख रही होगी, ये खाना चबाने की थकान है एक्चुअली. इतना सारा जो खाना वो धीरे धीरे करके खा रहे थे, और इतना टेस्टी खाना था कि कुछ छोड़ने का मन भी नहीं करता है. मेजर चीज़ तो ये रहती है. सो अब है टाइम डेजर्ट का. ये है गुलाब जामुन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा. दिस इज़ गुलाब जामुन थीरा मसूर. दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि यूजुअली मैंने गुलाब जामुन विद आइसक्रीम या वैसे ही खाया है. गुलाब जामुन की स्लाइस के बीच में मेरी क्रीम है. अभी मेरी पान कुल्फी भी आने वाली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा. तो मंजू मैडम जो है आप पान कुल्फी लेके भी आ गई है. देखिए, ये देखने में तो काफ़ी अच्छी है, और पान का टेस्ट तो खाने के बाद मीठा को पसंद आता ही है. चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं अपने डेजर्ट, एंड देन मस्ट. सो दोस्तों, आज मैं था द बारखाना रेस्टोरेंट पे, विच इज़ बेस्ड ऑन अ थीम दैट इज़ ऑफ कारखाना. जो वर्कशॉप की थीम होती है उस पर बेस्ड है. आज हमने देखा कि यहाँ का इंटीरियर कैसा है, एम्बियंस कैसा है. उसके बाद हमने टेस्ट किए यहाँ के कुछ सिग्नेचर स्टार्टर्स, और देन हमने खाया मेन कोर्स और खाई डेजर्ट्स. सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, और वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी, और आप यहाँ नेक्स्ट टाइम कब आने वाले हैं. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप ट्रिप डायरी के कोई भी वीडियो मिस ना करें. ट्रिप डायरी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया. मिलते हैं अगले वीडियो में.